हेलो दगड़ियों, आप सबूत मेरे प्यार को प्रणाम। मैं सुजल आपका स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। करीब 6 बज चुके हैं और आज की वीडियो शुरू हो रही है केदारनाथ धाम से। केदारनाथ मंदिर के ठीक सामने पे हूँ मैं। अभी अभी रूम से बाहर आके निकला हूँ और काफ़ी लंबी लाइन लग रखी है दर्शन के लिए। जय श्री केदार बाबा जी, जय भोलेनाथ। मैं इस टाइम पे मंदिर परिसर में हूँ और ये ठीक सामने केदारनाथ बाबा का धाम। और इधर देखिए पहाड़ बादलों से गिरे हुए, सामने पे झरना, सुबह के 6 बजे के कुछ ऐसे नज़ारे हैं। देखिए इधर पूरे पहाड़ बादलों से गिरे हैं और इधर पीछे का हिमालय अभी भी नहीं दिख रहा है। कुछ देर में अगर बादल साफ हो जाए तो ज़रूर देखने को मिलेगा पीछे का हिमालय। और ये देखिए यहाँ का कुछ ऐसा दृश्य, बाबा केदारनाथ धाम। तो भाई अभी मैं रूम में आया था तो आप सारे साथ वाले भी तैयार होके हम नीचे आ चुके हैं और मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ वाले पीछे और आधे आगे। ये देखो लाइन कितनी लंबी लग रखी है। हम यहाँ पे बाहर पे आ गए, बहुत ही लंबी लाइन लग रखी है, 2-3 किलोमीटर की मेरे ख्याल से। और ये श्री केदारनाथ धाम और पीछे पूरे बादल बादल हो गए। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं सुबह आया था बाहर तो उस टाइम इतने बादल नहीं हो रहे थे। अभी धूप आने वाली है पहाड़ में, पीछे की पहाड़ी में धूप हो रही है, धूप आने लग गई इसलिए थोड़े बादल बादल हो रहे हैं। पूरी अच्छे से धूप आ जाए तो बढ़िया व्यू देखने को मिलेगा और पीछे के बर्फीले हिमालय भी देखने को मिलेंगे। देखिए कितनी लंबी लाइन लग रखी है और हम भी अब लाइन पे लगे जा रहे हैं। हमारे साथी पीछे और साथ ही साथ में ले लिया हमने। अमरनाथ की हवा पहाड़ी और गुफा में, दिव्य लोक की दिव्य दिशाएं जपती रहती नमो शिवाय। दिव्य लोक की दिव्य दिशाएं जपती रहती नमो। आपने देखा होगा कितनी लंबी लाइन लग रखी है, 3-4 किलोमीटर की लाइन लग रखी है। हमारे साथ वाले लाइन में लगे हैं और हम मंदिर के पास आए हैं जायजा लेने की। कितनी लंबी लाइन है, बहुत ही लंबी लाइन लग रखी है। और ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का, बादल ही बादल हो चुके हैं सुबह के टाइम पे। पीछे के पहाड़ क्या गजब चमक रहे थे पूरा अगल बगल के, इस टाइम पे देखिए पूरे बादल ही बादल हो चुके हैं। तो ये देखिए भगवान केदारनाथ का द्वार और थोड़ी देर में हम भी जाएंगे दर्शन करने। हमारे साथी लाइन में लगे हुए हैं और ये देखिए मंदिर के आगे कितनी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। सारे भक्त मंदिर के प्रांगण में हैं। काफ़ी गजब का माहौल है यहाँ, भजन बज रहे हैं, काफ़ी भजन चल रहे हैं पीछे से और काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है यहाँ पे। देख सकते हैं मेरे पीछे केदारनाथ मंदिर, मेरे पीछे केदारनाथ मंदिर और यहाँ पे सारे भक्त। और आज दूसरा सोमवार है सावन का, दूसरे सोमवार के दिन सोमवार के से ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। कल उतनी भीड़ नहीं थी, और ऐसा कुछ नज़ारा है। ये देखिए फिर से आए हम यहाँ पे थोड़ी देर में और इधर बादल हट चुके हैं और सामने पे धूप निकल चुकी है और सामने वाली पहाड़ी पे धूप का काफ़ी बढ़िया नज़ारा और उजाला दिख रहा है। देखिए क्या गजब लग रहे हैं पहाड़, इन पे धूप पड़ रही है जब, और हिमालय पर्वत भी दिख रहा है हल्का हल्का। और यहाँ देखिए हरा भरा धूप पड़ रही है, इधर से क्लियर नहीं दिख रहे हरे भरे पहाड़। और पीछे देखिए हिमालय क्या कितना बड़ा गजब का नज़ारा है यहाँ का। ये देखो धूप लगी है, गर्मी हो रही है यहाँ पे काफ़ी। और पीछे देखें हिमालय पर्वत क्या गजब चमक रहा है धूप की रोशनी में। देखिए यहाँ पे क्या गजब का धूप लग रखी है पूरे पहाड़ों पे और नीचे बादल ही बादल। और हमारे साथ वाले यहाँ पे लाइन पे खड़े हुए हैं, ये सुबह से 7 बजे से लग रखे हैं यहाँ पे लाइन पे। और धूप देखिए क्या गजब की लग रही है और ये पहाड़ यहाँ का नज़ारा देखिए और नीचे पूरे बादल ही बादल हो रखे हैं जहाँ से हम नीचे से आए थे। और ये पहाड़ का नज़ारा देख रहे होंगे आप। और केदारनाथ के पीछे की पहाड़ी देखिए क्या गजब बर्फ़ से चमक रही है एकदम। और हमारे भाई लोग बहुत देर से खड़े हैं यहाँ पे। कैसा रहा आपका 1-2 घंटे से यहाँ पे लाइन पे खड़ा रहना, बताएं कुछ अपना एक्सपीरियंस। हमारा डिसीज़न बढ़िया था जो हम इस 2-4 दिन का हमने प्लान बनाया है ना, कल भी धूप थी। एक और देखिए यहाँ का नज़ारा, सावन के दूसरे सोमवार को हम केदारनाथ बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं और बहुत ही गजब का माहौल है और भीड़ भी इसलिए काफ़ी लग रखी है। ये देखिएगा ऐसा कुछ नज़ारा है।
कल से पहली यात्रा भी बंद हो रखी थी और आज आ चुके हैं। ये छोड़ के जा रहा है और एक लेके आ रहा है पर्यटकों को। और देखिए कोहरे में दिख भी नहीं रहा है, कैसे चला रहा है ये ख़तरनाक ही माहौल है। वो कोहरे के ऊपर से चले गए और कोहरा कह रहा हूँ बादल, मतलब बादल ही बादल हो रखे हैं। वो बादलों के पीछे देखिए कैसे आ गया है, नीचे लैंड करने वाला है। और दूसरा वाला तो गायब भी हो गया बादलों के अंदर, लैंड करेगा अभी यहाँ पर। बहुत ही मुश्किल होता होगा ये बादल, इतने घने बादलों में कुछ भी नहीं दिख रहा है पीछे, जैसे कि आप देख रहे होंगे कैमरे में। कल से पूरा और कातल तो रोक दी थी हेली सेवाएं, तो फिर से स्टार्ट कर दिया, तो एक के बाद एक स्टार्ट हो रही है, लगातार आने पे लगे हैं सारे हेलीकॉप्टर। तो फिर यहाँ के हम मज़े लेते हैं और आप भी मज़े लीजिए, वीडियो एंजॉय करिए। और ये बाबा केदारनाथ के दर्शन, क्या गजब लग रहा है ये पहाड़। और हमारे साथी यहाँ पे खड़े हैं, मसाज चल रही है इनकी। लाइन में लग चुका है और हमारे साथ के दो बंदे जा चुके हैं घूमने। और देखिए देखते ही इधर भी कोहरा बढ़ चुका है, अभी तक नीचे की साइड हो रखा था कोहरा, और देखते ही देखते इधर भी कोहरा बढ़ गया और सामने वाला पहाड़ छुप चुका है और ऊपर हिमालय अभी भी चमक रहा है। तो चलो लगते हैं लाइन में, अभी भी बहुत दूर है मंदिर यहाँ से, पता नहीं कितने घंटे लगेंगे। तो मिलते हैं आपको फिर थोड़ी देर में। 10 बजने को आए हैं पर अभी भी हमारा नंबर नहीं आया, बहुत दूर है अभी भी हम, 100-150 मीटर की दूरी पे हम मंदिर से। और 10 बज चुके हैं, लाइन में लगे हुए हैं, देखते हैं कितने बजे तक आएगा नंबर। मेरे को लगता है 11 बजे के बाद ही आएगा, 11:30 तक। तो अभी मैं फिर देखते हैं क्या होता है। 10 हो गए हैं पर अभी भी हमारा नंबर नहीं आया है, काफ़ी नीचे तक लाइन है। और ऊपर के पहाड़ देखो, लोग वहाँ तक जा रहे हैं ऊपर वाले पहाड़ तक, काफ़ी अच्छा व्यू आता है यहाँ से, पूरा केदारनाथ घाटी दिखती है ऊपर के वहाँ ऊपर से। और उधर भैरव बाबा का मंदिर, साढ़े 12 बजे नंबर आया है, अभी हम दर्शन करके आए हैं केदार बाबा के। और ये देखिए पीछे केदार घाटी पूरे बादलों में ढकी हुई है, और ये कुछ पीछे का नज़ारा है केदार घाटी का। और यहाँ से देखिए ये वो पत्थर है जो 2013 की आपदा में आके पूरे मंदिर का पानी डाइवर्ट कर दिया था और मंदिर तक नहीं गया था पानी। और ये देखिए पीछे का नज़ारा गजब का। तो हम दर्शन करके आ गए और बारिश भी स्टार्ट हो गई है यहाँ पे, ग्रीन कोट वगैरह पहन लिया हमने, बारिश स्टार्ट हो गई और लंबी लाइन लगी हुई है। ऐसा कुछ माहौल हो चुका है यहाँ पे, पूरे बादल ही बादल और बारिश होने लगी है हल्की हल्की। काफ़ी बढ़िया लगा बाबा केदार के दर्शन करके, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो भाई अब यहाँ से निकल रहे हैं हम, चेकआउट हो चुका है होटल से, और लास्ट बार देख लीजिए बाबा केदार के दर्शन, बाबा केदार का मंदिर। तो फिर निकलते हैं यहाँ से, बारिश भी लगी है, हल्की हल्की बारिश में निकल जाएंगे और हमारे साथ ही फ़ोटो खींचते हुए। तो देखिए तो चलो बाय बाय करते, देखिए लाइन कितनी लंबी लगी है। तो चलते हैं फिर यहाँ से और देखते हैं, 6-7 घंटे में तो हम ऊपर पहुँचे थे, और देखते हैं नीचे कितना टाइम लगता है हमें नीचे जाने में। तो मिलते हैं फिर आपको नीचे ही जाके, क्योंकि आते हुए तो सारे दिखाई रखा है पूरा, जो भी पड़ता है बीच में झरने झुरने सारी चीज़ें, सारा व्यू तो दिखाई रखा है पहले का, अगर कुछ नया होगा तो ज़रूर दिखाएंगे। चलते हैं और फिर मिलते हैं आपको नीचे सोन प्रयाग में। तो भाई ध्यान रखिए, फाइनली हम गौरीकुंड पहुँच चुके हैं, 24 किलोमीटर का ट्रैक पूरा करके, और बीच में मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हालत खराब थी। तो चलो मेरे साथ ही चले गए, गाड़ी में पहुँच के बात करते हैं। यहाँ पर मैंने इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ पर टुकुंड है, इसलिए मैंने यहाँ पर कैमरा निकाला कि दिखा देता हूँ मैं। गौरीकुंड पे आते ही तप्त कुंड है, यहाँ पे गर्म पानी रहता है और लोग स्नान कर रहे हैं। तो चलो चलते हैं, मेरे साथ ही जा चुके हैं आगे, बहुत ही ज़्यादा थकान लग रही है, गाड़ी में जाके मिलता हूँ डायरेक्ट। तो अब हम आ चुके हैं गाड़ी में सोन प्रयाग की पार्किंग में, अब यहाँ से चलते हैं क्योंकि काफ़ी थकान लग गई थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी। 4 घंटे में पहुँच गए थे हम, थोड़ा कवर कर देते हैं, 4 घंटे में 1:30 बजे चले थे और 5:45 पर यहाँ पहुँच गए थे सोन प्रयाग। तो काफ़ी बढ़िया और थकान वाला ट्रैक रहा है ये, अभी चल रहे हैं यहाँ से, या तो प्रयाग रुकेंगे या तो देखते हैं कहाँ रुकेंगे। शंभू भोले।
बट क्या गजब का लग रहा है पूरा गांव। ये सामने उकीमठ गांव है और क्या साइन मार रहा है उकीमठ गांव, बेस्ट लोकेशन पे। तो अभी हम आ गए थे, रात हो गई थी काफी, पूरी से पहले ही रुक गए थे हम, रुद्रप्रयाग जा रहा था। वैसे यहाँ सारे आ गए और देख रहे होंगे पीछे की क्या हालत हो रही है, सारे पड़ गए आते ही साथ, क्योंकि आज बहुत ही तगड़ा ट्रैक करा है और वो भी 4 घंटे में उतर गए थे सारे बालक लोग। 4 घंटे में आ गए थे हम और अंधेरा काफ़ी हो गया था। वैसे हमने रुद्रप्रयाग या कंट्रैक तक जाना था, अंधेरा हो गया था, तो हमने यहीं पे चंद्रापुरी से पहले ही एक जगह पे होटल ले लिया। तो बस फिर पड़े हुए हैं सारे लड़के। और कैसा रहा आज का ट्रैक? बस मजे में रहा, बस थोड़ी टांगे टूंगे दुख गई है वापस आते हुए, पर मज़ेदार था। 4 घंटे में कर दिया है, जाते हुए हमें 6:30 करीब लग गए थे, तो आते हुए 4 घंटे, आते हुए 4 घंटे बहुत जल्दी ट्रैक कम्प्लीट करा। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा आज का क्या है? बस थोड़े बहुत पाँव थके हैं, वैसे मज़ेदार ट्रैक है पूरा। और कुछ बोलेंगे तो लगे हुए लोग अपनी रील्स से। आज सबके फोन में नेट आया है तो सब लगे हैं फोन में ही। 2 दिन से सबके फोन बनते हैं तो आज सबके नेट चल रहा है तो सब लगे हैं। अच्छे अच्छी रील बना के ला रखे हैं, वो इंस्टाग्राम में अपलोड कर रहे हैं सारे। अगले साल आपको हेमकुंड या फिर महाकाल उज्जैन के दर्शन जरूर करवाएंगे। तो सुन लिया ना गाइस, अगले साल चलेंगे उज्जैन या हेमकुंड साहिब। तो चलो इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय बेस्ट लोकेशन पे है उकीमठ गांव। जय भोलेनाथ। तो चलो इसी के, तो चलो इस...